Hello students, welcome to your English class. So today we are going to understand. Just listen to the story. आज हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जो आपका पहला लेसन है ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक दैट इज इंग्लिश प्राइम. नेम ऑफ योर लेसन इज वेलोदया एंड मी. तो दिस पर्टिकुलर स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय एंड लियो टॉलस्टॉय इज एन ऑथर हु यूज टू राइट अबाउट हिज ओन लाइफ. इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी एज वेल ही हैज़ रिटन अबाउट हिमसेल्फ एंड इज एल्डर ब्रदर वेलोदया. तो ये उनके और उनके बड़े भाई वेलोदया से रिलेटेड एक स्टोरी है जिसके बारे में हम आज शॉर्ट में पढ़ेंगे. वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो आपके साथ शेयर की जा चुकी है अबाउट द वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन. टुडे वी विल टॉक अबाउट समरी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी इन अ वेरी शॉर्ट वाइल एज वेल. तो दिस स्टोरी इज अबाउट टू ब्रदर्स. दे हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग टुगेदर बट इवेंचुअली The younger brother starts getting jealous of the elder one. He starts envying him. तो वो उससे जलना शुरू कर देता है, उससे चिढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि जो बड़ा ब्रदर है वो काफ़ी ज़्यादा गुड है हर चीज़ों में. ही इज़ वेरी गुड एट डिफरेंट थिंग्स एंड ही ऑल्सो चेंजेस हिज हॉबीज वेरी फ्रीक्वेंटली. बट द यंगर ब्रदर डज नॉट हैव दोज एबिलिटीज टू चेंज हिज हॉबीज एंड ही इज़ वेरी यंग. वो इतना छोटा है कि वो अपनी हॉबीज़ चेंज नहीं कर सकता और इतना इंडिपेंडेंट भी नहीं है कि वो अपनी हॉबीज़ को चूज़ करके उनको फॉलो कर सके. बट द एल्डर ब्रदर इज़ हैविंग दैट मच फ्रीडम एंड इज़ वेरी बिग इनफ और एल्डर इनफ टू फॉलो हिज ड्रीम्स. सो दी ये बातें जो हैं वो छोटे वाले भाई को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करवाती हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी हेयर दैट द यंगर ब्रदर इज़ वेरी इनोसेंट लुकिंग एट द एल्डर ब्रदर कि मुझे ये शर्ट क्यों नहीं मिली. सो द एल्डर ब्रदर इज़ हैविंग अ वेरी न्यू शर्ट एंड दिस थिंग इज़ वेरी इरिटेटिंग और समटाइम यू कैन से इट इज़ वेरी एनवियस. द यंगर ब्रदर वॉज गेटिंग एनवियस. वो बहुत ही चिढ़ रहा था अपने बड़े भाई से कि उसको शर्ट मिली और मुझे नहीं मिली है. तो ये चीज़ें जो है आपके घर में भी होती होंगी भाई बहन की आपस में कि एक भाई के लिए अगर गिफ्ट आया है तो दूसरा भाई उससे चिढ़ना शुरू कर देता है और वो भी चाहता है कि उसे भी वैसा ही गिफ्ट ला के दिया जाए. तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ा ब्रदर है वो उसकी काफ़ी हॉबीज़ होती हैं. तो कभी वो पेंटिंग करना शुरू कर देता है, कभी नॉवेल्स रीड करना शुरू कर देता है. तो उसकी लेटेस्ट जो हॉबी अभी चल रही थी वो उसको एंटीक्स को कलेक्ट करना और जो भी चाइना ग्लास का सामान है वो उसे कलेक्ट कर अपने टेबल पे सजाता था. आप ये पिक्चर पे देख सकते हैं कि ये पीछे जो टेबल है यहाँ पर चाइना ग्लास का सामान जो है वो इकट्ठित करके एडजस्ट करके रखा गया है. तो गलती से जो छोटा भाई है उससे एक चाइना ग्लास के सेंट की बॉटल टूट जाती है और वेलोदया जो कि बड़ा भाई है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम ही ने मेरा जो चाइना ग्लास का सेंट है वो लिया है, मुझे उसे वापस करो. बट जो यंगर ब्रदर है वो तो उसने गलती से तोड़ दिया था. एज यू कैन सी इन द स्क्रीन एज वेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो वेट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चाइना ग्लास का जो शीशी है वो टूट चुकी है और अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि जो वेलोदया है वो काफ़ी गुस्सा हो चुका है और वो धक्का देकर छोटे भाई को बाहर जाने के लिए कहता है. तो छोटा भाई जो है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है, वो टेबल को एक तरफ से खींचकर सारे चाइना ग्लास के जो उसके शीशियाँ हैं वो नीचे फेंक देता है और जो वेलोदया है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम कमरे से बाहर निकल जाओ. फिर उन दोनों की कुछ क्लासेस होती हैं, वो आपस में काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करते हैं. छोटे वाला भाई जो है वो उसको जैसे वो लोग आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं क्लासेस में तो वो उनको क्रॉस करना शुरू कर देता है, मतलब उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है. लेकिन जो बड़ा वाला भाई है, बड़ा भाई जो है वो सॉरी कहता है यंगर ब्रदर को कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहूँगा और चलो हम दोबारा से फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो यही स्टोरी थी जो एक बहुत छोटी सी स्टोरी है और बहुत कॉमन है. आपके घर में भी ऐसा होता होगा, कुछ पल के लिए आप लड़ाई करते हैं फिर आप दोबारा से दोस्त बन जाते हैं. ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है एंड आई होप आप सब ने जो वर्ड मीनिंग है वो अपनी नोटबुक पे लिख लिए होंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.